मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने ये मतलब कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस की है। सुबह के बज रहे हैं 10 एंड ऐसा सुनने में आया था कि आज जो है सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला। मतलब इसकी दो चीज़ें हैं, अगर सूर्य ग्रहण अगर पड़ा तो यूवी रेज की वजह से बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी, मतलब फ़ायदेमंद है, बट हॉस्पिटल्स के लिए उतना ही घाटेमंद है, क्योंकि भैया बीमारियां नहीं होंगी तो फिर हॉस्पिटल्स को घाटा होगा ना, पहली चीज़ ये। बट यार देख के लग नहीं रहा है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर बादल हैं। और वैसे टाइमिंग तो है सुबह 9 बजे से लेकर के आई थिंक 1:30 या 2 बजे तक की। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक बार मैं शूट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो मैंने पिक्चर्स देखे वो बहुत ही मतलब बहुत ही सही आती हैं। लाइक अब देखो यार, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो जितना मैंने पढ़ा है एंड जितना मुझे बताया गया मम्मी के द्वारा एंड पापा के द्वारा कि लाइक इस टाइम पे ना बाहर नहीं निकला जाता, तो मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक मुझे बाहर नहीं निकलना है। अब अगर दोपहर के 1:30 बजे तक अगर बाहर नहीं निकला तो भैया ब्रेकफास्ट जरूर है, तो ये अपने 4 केले एंड 2 गिलास दूध, दूध में मिलाऊंगा हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के अलावा 1 को बनाऊंगा कॉफ़ी। मतलब मैं दूध वाली में कॉफ़ी पीता हूँ, मस्त सिंपली दूध चीनी और कॉफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है अपने को। एक काम करता हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे की बातचीत करते हैं कि एक्चुअली में क्या है आज की वीडियो। ओके जी, तो अपना ब्रेकफास्ट देखो भैया बन के हो गया था यार। क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है देखो ये रहे, ओह गिर ना जाए, ये देखो इसके अंदर केले हैं, उसके ऊपर नमकीन है, उसके ऊपर चाट मसाला है, प्लस इधर 1 गिलास में इसमें अपना हॉर्लिक्स मिला हुआ दूध है एंड इस वाले गिलास के अंदर अपनी कॉफ़ी है। तो अभी सिस्टम ये, आई नो तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब ये मतलब ये अजीब सा ब्रेकफास्ट कौन करता है, बता दो। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ब्रेकफास्ट एक्चुअली मेरा ऐसा नहीं था, एक्चुअली मेरे ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें एडिड थी, जैसे एप्पल हो गया, एक एप्पल होता था एंड 3 से 4 केले होते थे, प्लस कुछ स्ट्रॉबेरीज होती थी, तो उनका और प्लस साथ में नमकीन भी होती थी, ये वाली नहीं होती थी, वो दूसरी वाली नमकीन होती, तो बड़ा अच्छा लगता है, ट्राई करना, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो पहले वाला नहीं, मतलब जो अभी बताया है बोला एंड दूध और वो अपना कॉफ़ी, वो चीज़ें रहती थी। बाद में फिर पता लगा कि यार एप्पल हो गए महंगे, 200-250 रुपए किलो हो गए, मैंने बाहर में जाओ सालों ऐसे ऐसे नहीं खाना है, बाहर में जाओ, मैंने बंद कर दिया एप्पल, स्ट्रॉबेरी आना बंद हो गई। देखो अच्छा तो नहीं लगता है बट जो भी है यही है, तो अभी फिलहाल के लिए यही खाते हैं। एंड चाट मसाले का सिस्टम ये है कि देखो यार नमकीन थोड़ी सी कम वैसी है, मतलब लाइक जिसको बोलते हैं चटपटी, कम चटपटी है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों खाने में मज़ा आता है बट मैं यही खाता हूँ। चीयर्स। चलो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिस इज द रिंग लाइट मैन, आई डोंट नो मतलब कहाँ पे जूम आउट जूम इन हो रहा है, मैं ऐसा ही आ गया बाहर, मैंने नॉर्मल वाला अपना चश्मा लगाया हुआ है भाई सब, तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन चालू हो गया है, आस पास में देखो बिल्कुल एकदम काला सा, इधर देखो और कैसा कैसी सी धूप हो रही है, मतलब अजीब सी अलग ही धूप हो रही है, अलग ही। देखो यार मैंने ना मैंने फ़ोटो लेने की मैंने कोशिश की है बट फोटो तो नहीं आई है, वीडियो में ट्राई करता हूँ शो करने की कि सोलर इक्लिप्स एक्चुअली में कैसा हो रहा है। देखो नॉर्मली धूप कैसी होती है, धूप जैसी होती है, बड़ा ही टेक्निकली मैंने समझाया है तुम्हें। अभी देखो अभी तुम धूप को एक बार जरा ध्यान से देखोगे ना, अगर एक बार धूप को ध्यान से देखो तो इट्स लाइक कि धूप भी हो रही है, उसके ऊपर से एक ब्लैक कलर का मतलब कुछ तो है कुछ अलग मतलब देखो कुछ तो अलग दिख रहा है एंड आई डोंट नो यार मतलब कितना देख पाओगे इसके अंदर। लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट, नहीं हो पा रहा यार, इसके लिए अलग लेंसेज होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, बट दूसरी साइड में दिखाता हूँ, चलो घूम के दूसरी साइड से एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी। ओ भाई साहब, अरे बाप रे, नहीं हो पाएगा यहाँ से भी नहीं हो पाएगा। अभी मैं बाहर था, आई डोंट नो तुम लोगों को दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे, मेरे को गूज बम्स आ रहे, आई डोंट नो भाई वो अंदर से एक आई डोंट नो कैसी एनर्जी आ रही है यार, कैसे बताऊं, पर बहुत ही अजीब सी एनर्जी आ रही है अंदर से एंड मैन मैंने मतलब इतनी बार देखो सोलर इक्लिप्स या फिर मून इक्लिप्स होता है, मतलब सोलर इक्लिप्स या मून या फिर हाँ दो मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होते हैं इतनी बार होते हैं, मैंने कभी भी मैंने आपको विटनेस किया, हाँ आ रहा हूँ तो मैंने कभी विटनेस नहीं किया था अपनी आंखों से, आज मैंने विटनेस किया, मैन दिस इज मैजिकल। काश मेरे पास में यार वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे मैं ना मैं इसके एक मैं पिक्चर में क्लिक करता, मैंने देखो दिखाता हूँ, मैंने एक ट्राई किया है, मैंने फोटो मैंने लेने की मैंने ट्राई की है मेरे फ़ोन से, ये जो स्क्रीन पे आ रही है यही वाली फ़ोटो, ठीक है, बट यार जैसा दिख रहा है ना मतलब मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, रुको एक मेरे पास में सस्ता वाला है चश्मा है, मेरे पास में सस्ता 100 रुपये वाला चश्मा पड़ा हुआ है,
मैं ट्राई करता हूँ एक बार आंखों से देखने का। फट गई भाई, बहुत रेस जो है रेस बहुत तेज है, प्लस ऐसा ना ऐसा मतलब ऐसा पूरा नहीं हो रहा, उसमें ना उसमें कर्व सा बन रहा है, आई डोंट नो मतलब कैसे बताऊँ, हाफ या फिर नहीं नहीं हाफ तो ऐसा हो गया ना, हाफ से थोड़ा सा नहीं नहीं हाफ से थोड़ा सा आई थिंक लाइक 75% अगर ये लगा लो, ऐसा ऐसा सर्कुलर होता है ना तो ऐसा जाएगा एंड ऐसा आएगा, हाँ वो मतलब ऊपर ऊपर जाकर थोड़ी सी टेल उसकी कटी हुई है, तो ऐसा कुछ बन रहा है एंड दिस इज़ रियली रियली मैजिकल एंड आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, बट मुझे जितना पता लगा है मेरे मतलब अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, सो सी इज़ लाइक कि इस टाइम पर ना खाना खाना ना पानी पीना एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने ये मतलब कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस की है, बट लिटरली मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, मुझे अजीब सी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, इट्स लाइक कि आई डोंट नो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये कुछ तो कुछ कुछ तो अलग एनर्जी है, मैं बताता हूँ, नहीं मैं एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास में वर्ड्स नहीं है, कैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आई डोंट, तो तुम लोगों सालों कोई कमेंट नहीं करेगा कि भूत आया तुम्हारे रूम में, ठीक है, क्यों अभी तो अभी मतलब हवा भी चल रही है हल्की सी, जो पक्षी हैं वो भी मतलब वर्ड्स भी एकदम चहचहाते हुए घूम रहे हैं, क्या बोलूँ मतलब यार तुम लोग पका मैं क्यों पका रहा हूँ मैं क्यों पका रहा हूँ तुम लोगों को, चूतिया हो गया हूँ, चलो बंद करता हूँ, ओके ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि मुझे एनर्जी अलग अजीब सी मुझे एनर्जी जो फील हो रही थी वो पॉसिबिलिटी है, मतलब अभी गारंटी नहीं है कि वो किस वजह से मुझे एनर्जी वो मुझे फील हो रही थी, एक पॉसिबिलिटी है कि यार यूवी रेज, क्योंकि देखो जब सोलर एक्लिप्स होता है उस टाइम पर यूवी रेज निकलती हैं काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज, एंड उस टाइम पर 12 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था, और ये जो है सोलर एक्लिप्स हुआ था ये 12:10 पर पीक पर था, मतलब सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगे, मतलब हाईएस्ट पीक पर था 12:10 पर, हाईएस्ट पीक पर था एंड अल्ट्रा वायलेट रेज में एनर्जी बहुत हाई होती है, सो दैट्स व्हाई हो सकता है कि वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस हुए होंगे, क्योंकि मेरे दोनों गेट खुले हुए थे एंड आमने सामने गेट है मेरे दोनों रूम के, मतलब लाइक एक ही रूम है, एक बैक डोर है एंड एक फ्रंट डोर है, तो दोनों आमने सामने, तो हो सकता है कि वो जो एनर्जी पास होने का तो वो पॉसिबिलिटी एक मुझे लग रही है, रेस्ट इज अभी के लिए क्या टाइम हो गया एंड टाइम हो गया 3:36 एंड अभी 4 बजे हमारा एक लाइव सेशन है रजत सूद के साथ में, रजत सूद आई नो आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, दैट कॉमेडी आर्टिस्ट, बेसिकली ही डू पोएट्री विद कॉमेडी, सो मतलब आई होप कि आप लोग समझ आए, तो वो एक लाइव सेशन खत्म करते हैं, उसके बाद भी देखते हैं कुछ और काम करेंगे, क्योंकि देखो भैया लॉकडाउन है तो कुछ ना कुछ खुद को एंगेज रखना पड़ेगा, अगर एंगेज नहीं रखेंगे खुद को तो परेशानी होने वाली मेंटली फिजिकली तो वैसे भी होगी, क्यों फिजिकली इन द सेंस, अब अगर यार फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो योगा सबसे बेस्ट चीज़ है, मेडिटेशन सबसे बेस्ट थिंग है, तो भाई साहब आज है 21st of June, सो हैप्पी योगा डे एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, एक्चुअली मैं आई डोंट नो इंटरनेशनल वर्ड क्यों यूज़ किया बट स्टिल हैप्पी योगा डे एवरीवन, सो योगा बेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 15 days से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड फिजिकली एंड मेंटली दोनों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है मेडिटेशन एंड योगा, सबसे बेस्ट ये, इससे अच्छा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, अगर आपको लाइक बल्कि या मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है तो उसके अलावा आप मस्त योगा करो बेस्ट थिंग है, बाकी का अभी यार बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे, देख रहे हो कितने पसीने मतलब भरे पड़े हैं, क्योंकि ना कूलर चला सकता हूँ ना फैन चला सकता हूँ, कोई चीज़ नहीं चला सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, सो इसीलिए आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डिडंट देन हिट डिसलाइक बटन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि यार लाइक बटन में प्रेस करो चाहे डिसलाइक बटन प्रेस करो बट प्रेस कर देना एंड दोनों ही कंडीशन के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट जरूर कर दो कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी, आई होप आपको मैंने नॉलेज कुछ आपको मतलब अच्छी जानकारी दे पाई हो इस वीडियो के थ्रू, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली में मेरी एक ट्रैवल वीडियो होने वाली है, आई डोंट नो फिलहाल के लिए, और ये फोन बज गया मेरा, चलो बाय. Find somebody who loves you, somebody who needs you.